फ्रेंड्स, रॉयल रोबोटिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हैवी साइज के ब्लाउज होते हैं उसमें किस तरह से आपने प्लेटें डालनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो सबसे पहले फ्रेंड, मैं आपको डेमो के तौर पर बता दूँ, जो भी हम ब्लाउज की मार्किंग करने चाह रहे हैं प्लेटों की, तो हम इसकी जो लंबाई रखेंगे वो 16 इंच तैयार, सीना रखेंगे 46 इंच, कमर 40, और जो फ्रंट गला रखेंगे वो हम 7 इंच और बैक गला 9 इंच। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक पैटर्न शीट लेंगे, इसी पर हम जो है ना ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले आपने करना क्या है, इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है दोनों साइड में, ब्लाउज की जो लंबाई हमारी 16 इंच है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 17 इंच पर हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड आपने करना क्या है, फ्रंट ओपन रखेंगे इसमें हम, तो 2 सूत का एक निशान और लगाएंगे हम, जो कि सिलाई लगाएंगे सामने में वो दबाव के लिए। इस पर हमारी पट्टी बनेगी, हुक पट्टी और आई पट्टी जो बनती है वो, उसी के लिए हम ये दबाव छोड़ रहे हैं। ये देखिए, ये हमने पहले ही छोड़ दिया, इसलिए आपने भी इसी तरह मार्किंग करनी है कपड़ा छोड़ के। अब ये देखिए, इसके बाद हमारा जो गला है 9 इंच है बैक गला, और फ्रंट गला 7 इंच है। तो फ्रंट आपने करना क्या है, काफ़ी हैवी साइज है तो इसमें आपने 6 इंच का ही तीरा रखना है, और जिसका मुड्डा रखेंगे हम वो रखेंगे, फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं हम, 6.5 इंच पर रखेंगे निशान इसका मुड्डे का। इधर से भी आपने 6 इंच ही रखना है, कोई भी 1 या 2 सूत घटाना नहीं है, बिल्कुल सीधे रखेंगे, हैवी साइज में इतना एडजस्ट हो जाता है। अब आपने इस तरह से निशान लगा लेना है, और ये जो मुड्डे का निशान लगाया था हमने, इसको भी सीधा कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड आपने जो फ्रंट क्रॉस का निशान लगाना है वो 1 इंच में थे, 1 सूत कम लगाएंगे। इस तरह से आपने निशान लगाना है। इसके बाद फ्रेंड सीना हमारा 46 इंच है, तो आपने करना क्या, इसमें 2 इंच ऐड करेंगे तो 46 और 2 48, और हमारे 48 सीने का 4th हिस्सा हो गया 12 इंच, तो आपने 12 इंच पर निशान लगाना है, और एक निशान लगाएंगे 2 इंच पे जो दबाव में जाएगा हमारा। इसके बाद आप कमर की तरफ आइए, कमर हमारी रहेगी इसमें 40 इंच, कमर में आपने कोई भी एक्स्ट्रा दबाव नहीं देना है, तो 40 का 4th हो गया 10, प्लस 1 इंच हम रखेंगे प्लेटों के दबाव के लिए, यानी कि 11 इंच, और 2 इंच रखेंगे हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए साइड में दबाव जो हम देंगे। अब आपने फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, काफ़ी हैवी साइज है तो जाहिर है कि कस्टमर का इधर साइड में जो है ना फैट जरूर पाएगा, तो आपने करना क्या है कि सेफ पट्टी की सहायता से, जिस तरह से हम सूटों में मार्किंग करते हैं फिटिंग की, आपने सेफ पट्टी की सहायता से तेज बोल के घर में ये मार्किंग करनी है इस तरह से। इसके बाद फ्रेंड हमारा जो डॉट पॉइंट रहेगा वो 11 इंच तैयार है रखेंगे इसमें, और 0.5 इंच ऊपर दबाव में जाएगा, तो फ्रेंड डॉट पॉइंट आपने जरूर लेना है। तो फ्रेंड डॉट पॉइंट आपने जरूर लेना है कस्टमर का, कि कितने इंच पर है, तो हमने 11.5 इंच पर निशान लगाया है, काफ़ी हैवी साइज है हमारा ब्लाउज का, काफ़ी हैवी साइज है ब्लाउज का। तो आपने फ्रेंड करना क्या है, एक इधर से जैसे आमतौर पर हम 4 इंच पर निशान लगाते हैं, तो आपने 4.25 इंच पर एक निशान लगाना है, और 4.25 इंच पर ही इधर से निशान लगाएंगे। इसके बाद फ्रेंड आपने इस डॉट पॉइंट से 2.5 इंच पर एक निशान इधर लगाना है प्लेटों के लिए, और एक निशान इधर, और इधर से आपने करीब 3.5 इंच पर निशान लगाना है, ये देखिएगा यहाँ पर। अब आपने इस निशान को इस निशान से मिलाना है, एक प्लेट हमारी ये होगी साइड की, और इसी की सीध में डॉट पॉइंट्स की सीध में
आपने यहाँ निशान लगाना है और इससे 2 इंच नीचे क्रॉस में आपने निशान लगाना है। ये जो हमने 2.5 इंच को लगाया था डॉट का निशान, ये देखिए इधर इस निशान को इस निशान से आपने मिला देना है इस तरह से। दूसरी प्लेट हमारी ये हो गई और इस डॉट पॉइंट से आपने 2.5 इंच नीचे की तरफ इधर निशान लगाना है। एक तीसरी प्लेट हमारी ये हो गई अब चौथी प्लेट के लिए फ्रेंड आपने करना क्या है, इस डॉट पॉइंट से आपने ये जो हमारा आर्म होल का पॉइंट है यहाँ तक देखिए आप 5.5 इंच आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर आपने 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है इस तरह से। तो तीसरी प्लेट हमारी ये हो जाएगी। ये हमारी चौथी प्लेट हो गई फ्रेंड। तो फ्रेंड ये थी हमारी मार्किंग जो कंप्लीट हो चुकी है प्लेटों के लिए। हैवी साइज इससे कोई भी हैवी साइज हो आपने इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतनी पर ही आपने मार्किंग कर लेनी है तो आपकी जो फिटिंग है ओके परफेक्ट आएगी। तो फ्रेंड ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो आपकी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।